मित्रों, समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए अच्छे समय में कभी भी अहंकार नहीं करना और कठिन समय में कभी भी ज़्यादा चिंता मत करना, क्योंकि याद रखना मित्रों, दोनों बदलेंगे जरूर। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे बी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम बी नाम वाले लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, जिनका नाम अंग्रेजी के बी लेटर से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है, तो यहाँ पर बी नाम वाले वृषभ राशि वाले लोगों को वर्ष 2024 में क्या परिणाम मिलेंगे, इसकी चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप बी नाम वाले वृषभ राशि वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बी लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बी लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। वर्ष 2024 के राशिफल की जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं। वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और वृषभ राशि के जो लोग होते हैं बहुत ही आकर्षक लोग होते हैं। इनको स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है, इसलिए ये आज़ाद किस्म के होते हैं। इन्हें बंदिशें बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं, इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित रहते हैं। और वृषभ राशि वालों का स्वामी शुक्र है, इसलिए इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कामों में अधिक लगता है। अपने साथ साथ दूसरों की कला का भी सम्मान करना ये लोग जानते हैं, बहुत ही स्वाभिमानी लोग होते हैं। इन्हें कोई रोक टोक करे ये बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं होता है, हमेशा अपने मन की करते हैं। अधिक सौंदर्य प्रेमी और अधिक कला प्रेमी होते हैं, अपने मन के राजा होते हैं। ये अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत ही धैर्य होता है इनमें, इसलिए जल्दी उत्तेजित नहीं होते, और अगर क्रोध करते हैं तो फिर ज़्यादा क्रोध करते हैं, फिर सरलता से इनको काबू नहीं किया जा सकता। अपने कार्यों को बहुत ही धीरे धीरे और धैर्य और संयम के साथ करने वाले लोग होते हैं। आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करते, ये लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और सब प्रकार से भौतिक सुख साधनों को पसंद करने वाले लोग होते हैं। महंगी चीज़ें खरीदना इनको पसंद होता है, इरादे इनके अच्छे होते हैं, लोगों को इनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बात बहुत अच्छे तरीके से करने वाले लोग होते हैं। और इनके जीवन में कुछ भी अचानक से नहीं होता, बहुत ही मेहनत करते हैं तभी ये सफलताएं प्राप्त करते हैं, और प्रेम के प्रति समर्पित होते हैं और अपने प्रति भी उसी प्रकार का समर्पण चाहते हैं। बड़े ही रोमांटिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होते हैं और ईमानदार भी होते हैं, और अपने जीवन साथी से भी इसी तरह के व्यवहार की उम्मीद रखते हैं। और ये लोग जो होते हैं प्रेम के मामले में सच्चे साथी साबित हो सकते हैं, प्रेम में इन पर यकीन किया जा सकता है, लोग इनकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है, और वैसे देखा जाए तो ये प्रेम निभाने वाले लोग होते हैं, ईमानदार और बुद्धिमान होते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव इनके बना रहता है, और ये दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाले लोग होते हैं। स्वभाव से दूसरों के लिए प्रेम होता है इनके मन में, सहनशील और सहयोगी विचार वाले लोग होते हैं। बी नाम वाले वृषभ राशि वाले लोगों के लिए हम वर्ष 2024 के राशिफल की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। तो धन के मामले में अगर हम देखें तो वर्ष 2024 आपको अचानक लाभ भी दिखा सकता है। धन और आय के मामले में वर्ष 2024 में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। धन की वजह से आपके जो कार्य अभी तक रुक रहे थे वो वर्ष 2024 में आप पूरे कर पाएंगे। धन और आय के मामले में पूरा वर्ष आपको लाभ देखने को मिलेगा, यानी आप जो भी कार्य करते होंगे उससे आपको नियमित आय होती रहेगी, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार कारोबार हो। और धन और आय के मामले में वर्ष 2024 में आपके कोई कार्य रुकने वाले नहीं हैं। व्यापार कारोबार की बात करें तो व्यापार कारोबार में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भाग्य का साथ मिलेगा, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। और जिन लोगों का कोई व्यापार कारोबार बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, या कोई लेबर वर्क है, या फिर आपका कोई मशीनरी वर्क है, केमिकल का कोई कार्य करते हैं, माइंस का कोई कार्य है, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी भी तरह से कोई भी ऐसा कार्य जो लेबर से जुड़ा हुआ है वो भी आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, लोहे से जुड़ा हुआ कार्य भी आपको ज़्यादा लाभ देगा।
और सामान्य परिणाम तो आपको वर्ष 2024 में व्यापार कारोबार नौकरी में मिल ही जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप समझ लें कि अच्छा ही समय जाने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात करें, बड़े भाई बहनों के साथ और घर के बुजुर्गों के साथ कोई भी वाद विवाद ना हो, माता पिता के साथ संबंधों में ध्यान रखकर चलें। वहाँ पर अगर तालमेल बनाकर रखेंगे तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, बाकी पारिवारिक जीवन आपका सामान्य तो रहेगा ही रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या अगर है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा। वहां पर आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, इसलिए अगर पेट से संबंधित कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है तो वो वर्ष 2024 में आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अपनी दवाइयां नियमित समय पर लेते रहें और डॉक्टर से परामर्श लेते रहें, और अगर कोई भी स्वास्थ्य में समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में अगर विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करने जाना है आपको, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके लिए अगर मैं बात करूं तो उनकी एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी, आप मौज मस्ती के मूड में रहेंगे, इसलिए पूरे वर्ष एकाग्रता बनाकर रखें, वरना आप अपने पढ़ाई के मामले में अच्छे परिणाम बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे वर्ष 2024 में। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें, और अगर आप एकाग्रता बनाकर रखेंगे और अपने समय को व्यर्थ में ख़राब नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहां पर तो अच्छे परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, और जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा था तो वर्ष 2024 में वो आपका समाप्त हो सकता है। आप प्रयास करें आपके वाद विवाद समाप्त होंगे, और वैवाहिक संबंधों में आप देखेंगे साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, रोमांटिक समय गुजारेंगे, और जीवन साथी के साथ संबंधों में एक नई मजबूती देखने को मिलेगी। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो, तो वर्ष 2024 में वो आपकी तलाश पूरी हो सकती है। आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है, और आप देखेंगे कुछ लोगों की शादी भी होगी, कुछ की शादी की बात भी पक्की होगी। वर्ष 2024 में अविवाहित लोगों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, वरना वहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, शंकाएं बढ़ सकती हैं, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं, तो प्रेम संबंधों के मामले में रोमांटिक समय रहेगा वर्ष 2024 में। आप अपने साथी के साथ मुलाकात भी करेंगे, रोमांस भी होगा, लेकिन आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सकता है, इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और गलतफहमियों पर नियंत्रण रखें। अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार का झूठ बोलने से बचें, और अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं, आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध नहीं हैं, तो परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा जगह संबंध है तो आप देखेंगे वर्ष 2024 में वो आपके साथी को पता चल सकते हैं और वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखने की आवश्यकता होगी, इस बात का ध्यान रखें। और वैवाहिक संबंधों में भी आप अपने साथी के साथ में किसी भी प्रकार की छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आपके लिए जो वर्ष 2024 है सामान्य परिणाम देगा, यानी आपके लिए वर्ष अच्छा रहने वाला है। चलिए उपाय की बात करते हैं, तो बी नाम वाले वृषभ राशि वाले लोगों के लिए उपाय की बात करें तो आप शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें, रोजाना करें तो बहुत अच्छा है, सुबह नहा धोकर आप शिवलिंग पर एक लोटा जल रोजाना अर्पित करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, ये उपाय आप पूरे वर्ष करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और जो दूसरा उपाय मैंने बतलाया है कि शुक्रवार को गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, तो वो भी कर सकते हैं, दोनों उपाय कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे बी नाम वाले वृषभ राशि वाले लोगों को वर्ष 2024 में क्या परिणाम मिल सकते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये बी नाम वाले वृषभ राशि वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।